नमस्कार ब्रदर, कैसे हो? तो अपने अपने बारे में बताओ, बच्चे कैसे हैं, क्या हो रहा है, फैमिली कैसी है, काम कैसा होता है? मेरी ड्यूटी 12:50 से स्टार्ट होती है। मैं यमुनापाल से आता हूँ, पर हालांकि डिपो तो बहुत दूर पड़ता है। कैसे आते हो? मैं बस से ही ट्रेवल करता हूँ सर। डीटीसी बस में सफर करते दिख रहे हैं राहुल गांधी। कितना पैसा मिलता है, कितनी मुश्किलें हैं, कंडक्टर को क्या भुगतना पड़ता है। डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसे दिल्ली की लाइफलाइन भी कहते हैं, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना ये वीडियो शेयर किया है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार जी। नमस्कार। 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 बैठ जाओ यहाँ। आप कंडक्टर हो? जी सर। आप ड्राइवर हो? कंडक्टर। आप ड्राइवर। 7.5 मिनट का पूरा वीडियो है, जिसे राहुल ने अपने एक सेंटर पर शेयर किया। थंबनेल दिया है, बस बहुत हुआ अन्याय। माँ से मिलो आप? मम्मी। वीडियो की शुरुआत में राहुल गांधी एक कैब ड्राइवर से मिलते हैं, उन्हें सोनिया गांधी से मिलवाते हैं, फिर कैब में बैठकर दिल्ली की सड़कों पर निकल जाते हैं। राहुल उस जगह पहुंचते हैं जहां डीटीसी के कर्मचारी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है? अगर आपकी मदद की जाए तो क्या करा? हमें परमान सर समान भत्ता देना चाहिए, ताकि हम लोगों का भी गुजारा हो सके, बच्चों की भी देखरेख किया जा सके। 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, कहाँ से किराया दे, कहाँ से किताबें लाएं, कहाँ से ट्यूशन फीस दे, कहाँ से नहीं मिल रही। आप बस पे अभी नहीं चल रहे? बस में चल रहे साहब, प्रॉपर सैलरी कैसे नहीं मिल रही? देने नहीं, गवर्नमेंट सैलरी नहीं आ रही। राज्य सरकार कह देती है सेंटर को, सेंटर सरकार कह देती है राज्य को। परमानेंट नहीं बनाना चाहते? हमें पक्का किया जाए, हमें ये मांग है हमारी। मैं भी ड्राइवर हूँ, बस इतना है कि सरकार से समान काम और समान वेतन हो। समान काम, समान वेतन, निजीकरण, 5 महीने से सैलरी की परेशानी और भी तमाम तरह के मुद्दे। बस के ड्राइवर से लेकर कंडक्टर और यात्रियों की सुरक्षा में तैनात गार्ड सब अपनी परेशानियां बयां करते हैं। राहुल सबकी सुनते हैं और उन्हें भरोसा देते हैं। और कितने घंटे होता है काम? 8 घंटे होते हैं, बट अगर 1-2 घंटे ऊपर चलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। नहीं सर, कच्चे हैं, सब कच्चे हैं। इसके बाद वो एक बस में सवार हो जाते हैं, फिर वहाँ कंडक्टर के बगल में बैठकर बातचीत शुरू कर देते हैं। आपका सब प्रोग्राम अभी क्या है? बस कंडक्टर से, बस ड्राइवर से बात कर रहा था, देख रहा था इनकी मतलब मुश्किल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा समझना चाह रहा था। क्योंकि मैं पहले जो ट्रेन ड्राइवर्स थे उनसे मिला था, तो फिर बस ड्राइवर ने मुझे कहा कि बस ड्राइवर से भी आपको मिलना चाहिए, उनकी भी समस्या है। दिल्ली की सड़कों पर अभी करीब 7,000 बसें चल रही हैं, इसमें करीब 4,000 बसें डीटीसी की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 से 35 लाख यात्री रोज डीटीसी की बसों में सफर करते हैं। करीब 28,000 कर्मचारी हैं, जिनमें से करीब 11,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। इन डीटीसी कर्मचारियों के जरिए क्या राहुल गांधी दिल्ली के वोटर्स को चुनाव से पहले साधने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि नए साल की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव होंगे। राहुल गांधी लगातार किसी न किसी बहाने दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं। अभी पिछले महीने उनका कैब ड्राइवर के साथ मिलने जुलने का वीडियो सामने आया था। दिल्ली में कांग्रेस काफी कमजोर स्थिति में है, पार्टी 3 चुनाव में सत्ता से बाहर है। हाल ये है कि सदन में कोई नामलेवा नहीं है। लोकसभा चुनाव में आपसे गठबंधन कामयाब नहीं रहा, विधानसभा पार्टी अपने दम पर लड़ने वाली है। ऐसे में राहुल की कोशिश जरूर उन वोटर्स को अपने पाले में लाने की होगी जो कभी उनके थे और अब उनसे दूर है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.